कितने फुर्सत से इसको ऊपर वाले ने बनाया है, ये देख सकते हो गाइस। और आगे से जो पहाड़ आपको नजर आ रहा है, ये देखो इसके ऊपर जो है बर्फ, ताजा बर्फ गिर गया है क्योंकि कल से यहाँ। और गाइस यहाँ से आप बोर्ड वगैरह भी आप देख सकते हो, लेह 364, कारगिल 138 और सोनामर्ग है यहाँ से भाई एटलीस्ट 20 किलोमीटर। तो गावर भाई आज बता देना भाई के पास इन द चार्जर प्लीज। गाड़ी नजम भाई की जो आज अपने साथ ही है, और गाइस अपना शाल टैंक जो है वो पार होने के बाद वेलकम टू द डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा। अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं सुंबल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको फिर से वेलकम करते हैं अपने चैनल में। आई होप कि आप सभी दोस्त और भाई ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हो कौन सा ड्रेस हमने पहना है, इसको हम कश्मीरी में खैरन कहते हैं भाई, क्योंकि ये हमें शादी में काम आता है। ये पूरा नीचे जो है पाँव तक होता है, तो जो हमारे बाहर के आइडेंस है उनके लिए ये मैं कह रहा हूँ। और इसी के साथ साथ जैसे कि आपने देखा था कि पिछले वीडियो व्लॉग में हमने उधमपुर से सीमेंट अपना लोड किया था कारगिल का, और उसके बाद हम वहाँ से निकल चुके थे। तो आपने देखा होगा कि कैसी अपनी जर्नी रही उस टाइम, और फिर हम घर पहुँच गए क्योंकि घर में गाड़ी का काम करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गाड़ी के जो फिल्टर्स है वो पुराने जो है सारे रिमूव किए और नए डाले हैं, और इसी के साथ साथ गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो भी चेंज किया है हमने, और जो गियर बॉक्स है उसका सेल भी हमने चेंज किया था क्योंकि पिछली बार हमने किसी का जो सेल है वो चेंज किया था, लेकिन गियर बॉक्स का नहीं, उसका भी आज चेंज किया। तो उसके बाद निकल चुके हैं हम तीनों गाड़ी। ये देख सकते हो गाइस, ये रहा अपना भाई गावर भाई, ये भी साथ ही है कारगिल। तीन गाड़ी हमने माल भरा है, और है दूसरा एक और ड्राइवर वो आगे हमारा वेट कर रहा है नदीम भाई। ये देख सकते हो गाइस, भाई को मैंने आज पीछे कैसा लुक जो है बना के दिया मैंने भाई को, ये देख सकते हो गाइस। और इसी के साथ साथ गाड़ी का जो साउंड है वो भी चेंज हुआ है, खुद आप चेक कर सकते हो। अभी ना पहुंच गए टोल पे, सो रखते हैं आज की जर्नी को आगे की तरफ कंटिन्यू, दिखाते हैं आपको कि आज हम पहुंच जाएंगे कारगिल शाम तक कि नहीं, वन डे हम कर सकते हैं कि नहीं। तो आज के वीडियो में बने रहना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर और फॉलो जरूर करके जाना। अभी भाई देख सकते हो आपका भाई जो है पूरा खींच के चल रहा है सुबह सुबह। ये देखो भाई, ये पुलवामा है। अपना शाल टैंक जो है वो पार होने के बाद वेलकम टू द डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा। अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं सुंबल। तो ये देख सकते हो भाई रोड को क्या हालत है आज इधर से, क्योंकि ये जो बाईपास है इसका सोनामर्ग का, तो मनीगाम के लिए ये बड़ा रोड बनने वाला है, ये आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में अभी काम चल रहा है रोड का। तो बड़ी केयरफुली इस पर जो है वो गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि मतलब लेफ्ट साइड गाड़ी किसी भी हालत में नहीं लेनी है। तो फिलहाल अपना जर्नी जो है वो कंटिन्यू है आगे की तरफ। तो आप ऊपर वाले का थैंक्स अदा करना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो किस्मत है वो अच्छा निकला, आज जो धूप है वो बड़ी अच्छी चल गई है। तो ये देख सकते हो भाई, ये यहाँ पे
पर्ची काटनी होगी। और इसी के साथ साथ वेलकम टू द म्युनिसिपल कम्युनिटी संभल। ए देखो गाइस, वेलकम टू संभल टाउन। संभल हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अपनी जो पर्ची वगैरह है वो भी हमने काट ली है। तो ये देखो गाइस, और अपनी गाड़ी का जो फ्लूट है ये भी चेंज करना है। आप देख सकते हो भाई, ये फ्लूट जो है खराब है गाड़ी का। ये देखो, सो रखेंगे अपने जर्नी को कंटिन्यू सोनामर्ग की तरफ। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज शाम को हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, लोकेशन पे। और गाइस देख सकते हो अभी तीनों गाड़ी का मिलन हुआ है यहाँ पे। ये रही आगे गावर भाई की गाड़ी, बीच में रही नदीम भाई की गाड़ी और पीछे अपनी गाड़ी। तो फिलहाल हम यहाँ पे रुक गए थे चाय वगैरह पीने के लिए। यहाँ पे अपना चाचा जो है बेहतरीन चाय बेचता है, हमेशा हम इसी के पास चाय पीते हैं। तो वतलर है इस जगह का नाम। ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे कैसा नज़ारा है। अब यहाँ से सीधा निकल जाएंगे अपने मुकाम की तरफ, सोनामर्ग की तरफ। अब नेक्स्ट स्टॉप जो है वो सोनामर्ग में ही करेंगे। ये देख सकते हो गाइस, तीनों गाड़ी साथ साथ ही है। देखो नदीम भाई के पास जो गाड़ी है ये 11 मॉडल गाड़ी है, और गौहर भाई के पास 18, और हमारे पास अपनी जो है गाड़ी वो 15 मॉडल गाड़ी है। और इसी के साथ साथ जो बच्चे है यहाँ पे जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि आज संडे है। आज रोड पे भी रश बहुत कम था। ओ खास माई, ओ खास खास इसी के साथ साथ अपनी गाड़ियां जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हो, ये रहा गावर भाई। आज बता देना भाई के पास इन द चार्जर प्लीज। और ये देख सकते हो ये रही सेकंड गाड़ी नजीम भाई की, जो आज अपने साथ ही है। और ये देखो ये रही अपनी मनी मशीन यहाँ पे। सो अब निकल जाएंगे यहाँ से सीधे अपने सोनामर्ग की तरफ। अब यहाँ से सोनामर्ग का सफर जो है वो खाली रह गया है 40 किलोमीटर। और गाइस यहाँ से आप बोर्ड वगैरह भी आप देख सकते हो, लेह 364 कारगिल 138। और सोनामर्ग है यहाँ से भाई एटलीस्ट 20 किलोमीटर। तो अभी ना हम पहुँचने वाले हैं भाई गगनगिर, और बड़ी केयरफुली आज हम चल रहे हैं। तीनों गाड़ी साथ में ही है, गावर भाई की गाड़ी, नदीम भाई की गाड़ी और अपनी गाड़ी। और तीनों गाड़ियों का सेम ही माल है, सीमेंट और एक ही जगह का कारगिल का। तो देख सकते हो भाई क्या नज़ारा है, क्या व्यू है यहाँ से। बस ऊपर वाले से यही दुआ थी कि मौसम जो है वो ठीक होना चाहिए। हालांकि आज जो धूप है वो बहुत अच्छी तरीके से खिल गई है। ये देख सकते हो गाइस, देखो चलो 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 भाई, आप लोगों को तो ज्यादा जल्दी होती है। आप ये नहीं सोचते हो कि 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो सेफली जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचनी चाहिए। आप लोगों को तो पड़ी रहती है हर टाइम।
खाली ओवरटेकिंग, खाली ओवरटेकिंग यार, क्या हो गया आप लोगों को? ये देखो गाइस, तो अब सीधा पहुंच जाएंगे अपना सोनामर्ग और वहां पे कांटा वगैरह करके चढ़ेंगे फिर जोजिला को, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज शाम तक जो हम कारगिल पहुंच जाएंगे और बिल्कुल हम कारगिल को मंडे करेंगे भाई। तो बाहर से भी आप नज़ारा सीन देख सकते हो, कैसा नज़ारा है, क्या कुछ है। वेलकम टू द सोनामर्ग। ये देख सकते हो गाइस, अभी ना हम पहुंच गए हैं सोनामर्ग, बस अब खाली 1 किलोमीटर रह गया अपना ट्रक यार्ड पे, जहाँ पे जो ट्रकों का पार्किंग होती है। यहाँ से आप ये नज़ारा कितना खूबसूरत है अपना सोनामर्ग, और कितने फुर्सत से इसको ऊपर वाले ने बनाया है, ये देख सकते हो गाइस। और आगे से जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, ये देखो इसके ऊपर जो है बर्फ, ताज़ा बर्फ गिर गया है, क्योंकि कल से या 2 दिन पहले स्नोफॉल हो रहा था जोजिला पे हर जगह। और ये लेफ्ट साइड में जो टनल नज़र आ रही है, ये है जाड़मू टनल, ये सोनामर्ग से गगनगिर तक है। एटलीस्ट इसकी जो लेंथ है वो है 14 किलोमीटर, लेकिन अभी भी जो ये है ओपन नहीं हुई है, अभी भी इसमें काम चल रहा है गाइस। और इसी के साथ साथ जितना आगे आगे चल रहे हैं उतना हम अपना जो कपड़ा है वो निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले फेरन लगाया था उसके बाद जैकेट, तो वो दोनों हमने निकाला है क्योंकि गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है यहाँ पे चढ़ाई में। तो मेरे ख्याल से इसी के साथ साथ करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा ये वीडियो ब्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया हुआ होगा। वीडियो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जिन भाइयों ने अपनी चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं की है, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई को भरपूर सपोर्ट करो। और यहाँ से आप विजुअल देख सकते हो, व्यू देख सकते हो, क्या नज़ारा है, क्या सीन है। और ये देखो भाई सोनामर्ग मार्केट जो है 3 किलोमीटर यहाँ से, सो पहुँचेंगे जल्द से जल्द अपने ट्रक यार्ड में, और वहाँ पे करेंगे अपनी गाड़ी का कांटा और उसके बाद निकल जाएंगे।